देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। 1 मई को पूरे भारत वर्ष में मजदूर दिवस मनाया गया। राज्य की सिंचाई उद्योगशाला कर्मचारी ट्रेड यूनिट रुड़की संबंध राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटेक्ट के मंत्री रविंद्र राजपूत ने सभी को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी और बताया कि आज सिंचाई कार्यशाला रुड़की में मजदूर दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इंटेक से संबंधित यूनियनों के सभी कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर मजदूर दिवस पर अपने अपने विचार रखे। यूनियन की ओर से आज अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन भगवानपुर के सौजन्य से एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें फाउंडेशन के प्लेसमेंट ऑफिसर अतुल राजपूत द्वारा भारत सरकार के चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से नसीम मलिक की रिपोर्ट। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर 1 मई मजदूर दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता रहा और आज राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर और राष्ट्रीय सिंचाई उद्योगशाला कर्मचारी ट्रेड यूनियन की ओर से हमने अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन से संपर्क किया। उनके अधिकारी हमारे पास मौजूद हैं अतुल राजपूत जी, उनके संपर्क में आया और उनसे हमने चाहा कि आज मजदूर दिवस के रूप में आज हमारे कुछ कर्मचारियों को अपनी तरफ से जो शिक्षा देते हैं, टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, उसके विषय में बताएं। तो आज मजदूर दिवस मनाने का हमारा उद्देश्य ये रहा कि जो हमारे नॉन टेक्निकल लोग हैं या जो टेक्निकल लोग हैं और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन की ओर से उनको वर्क का सर्टिफिकेट मिले और उनको बेसिकली ट्रेनिंग दी जाए, इस रूप में हमने आज मजदूर दिवस मनाया। देख रही है प्राइम स्टोरी।